थोड़े में अगर आप बताना चाहें तो। यार ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थी, कुछ चीज़ें बहुत आसान थी। आसान चीज़ ये थी कि आई वॉज ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन, आई लव टॉकिंग, तो इसलिए रेडियो बहुत नेचुरली मैंने रेडियो को अडाप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। जो चीज़ें मुश्किल थी, मुझे आयुष भैया एक बात कहा करते थे, आयुष्मान भैया, कि आप जब रेडियो और एंकरिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा माइक से कैमरे से बात कर रहे हैं, हमेशा कैमरे की आंखों में डाल के बातें कर रहे हैं व्हेन यू आर एंकरिंग और वीजिंग। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपने अपना आंख चुरानी होती है कैमरे से, यू डोंट हैव टू टॉक टू द कैमरा एट ऑल। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने रेडियो के बाद कतई डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एंकरिंग के बाद एंकरिंग का, फिर भी शायद मैंने डिसाइड किया था रेडियो के दिनों में। ये प्रोसेस था फ्रॉम रेडियो टू एंकरिंग टू एक्टिंग। क्या है ना, तीनों बहुत अलग चीज़ें हैं, ऊपर से तीनों के जो तीनों बहुत अलग माध्यम हैं, एंड एट द सेम टाइम तीनों के इंडस्ट्रीज बहुत अलग हैं। तीनों के जो धुरंधर लोग हैं या जो भी लोग जिनके साथ काम करना चाहते हैं वो अलग हैं बहुत। एंड मैं तो दिल्ली रहता था हमेशा से ही, तो एक्टिंग का ज़्यादा कैमरे के आगे आके एक्टिंग करने का ज़्यादा स्कोप नहीं था। इट इज़ ऑलवेज यू नो, आप थिएटर पे स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी एक्टिंग ही है, और वो तो वो आप मुझसे छीन नहीं सकते। मैं दिल्ली में बैक टू बैक प्लेस कर रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। एट द सेम टाइम अगर मुझे लगा कि मुझे आके कैमरे के सामने एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं आई जिसको देखकर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊं या कुछ ऐसा करूं। ही हग मी टाइट एंड ही वॉज लाइक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और जब तक उन्होंने ये बात नहीं बोल दी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। इतने लोग तारीफ कर चुके थे, उनसे पहले काफ़ी लोग फिल्म देख चुके थे, बिकॉज ही वॉज शूटिंग बैक टू बैक फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, तो उनको उन्होंने मूवी रिलीज होने से एक दिन पहले ही प्रीमियर पे ही फिल्म देखी है। सो यू नो, जब उन्होंने आके मुझे हग किया और बोला कि बिल्कुल परफेक्ट था सब कुछ अबाउट यू अबाउट द फिल्म, दैट इज़ व्हेन आई गेन्ड कॉन्फिडेंस। आई वाज लाइक, अब ठीक है। यू नो आई थिंक हु सो एवर इज़ वर्किंग नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री अदरवाइज ऑल्सो, वो सिर्फ अपनी फैमिली को प्लीज़ करना चाहता है, और अगर फैमिली प्लीज़ हो जाती है तो आपको बहुत हैप्पीनेस होती है। सो आई थिंक दैट वॉज यू नो वेरी गुड, अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। माई वाइफ क्राइड अ लॉट वाइल वॉचिंग द फिल्म। यार एक्चुअली उस टाइम पे ना, सच में आपको बताऊँ तो प्रेशर इस चीज़ का फील नहीं हो रहा था कि आमिर सर नहीं है, प्रेशर इस चीज़ का फील हो रहा था। हम उस समय भी शूट करते हुए इतना ज़्यादा रेस्लिंग के अंदर घुस गए थे कि कम ऑन कम ऑन कम ऑन गीता, खुद भी अगर आप मेरा रिएक्शन देखेंगे कि ओह ये नहीं गया, वो इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिक वे से सब कुछ किया गया था, तो प्रेशर वाली बात कोई नहीं है। बट ऑफ कोर्स यू नो, वो एक सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है कि आमिर सर उस समय बंद हो चुके हैं, एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है, स्पेशली बिकॉज ये एंड में ये दर्शाता है कि वो लड़की बिना अपने पिताश्री के भी परफॉर्म कर सकती है। एंड दिस इज़ फॉर एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरी वन, कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, और आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पापा ने मम्मा ने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हो सकता है आपको गाइड किया हो, आपको सिखाया हो कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद करना है। फिल्म का नाम है, इट्स अ धर्मा फिल्म कॉल्ड बद्रीनाथ की दुल्हनिया, एंड सुपर टैलेंटेड गाय शशांक खेतान इज डायरेक्टिंग इट। ही इज़ अ इतना कमाल का इंसान है वो, एंड ही इज़ सो फनी, ही इज़ सो नेचुरल, ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो हम्बल, ही सो अप्रोचेबल। और धर्मा कैंप में तो हमेशा बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ काम होता है और बहुत ही अच्छी वाइब्स होती हैं, फन होता है वहाँ पे हमेशा। सो मज़ा लेके बनाया जाता है फिल्म को, तो वहाँ बहुत मज़ा आया। आई एम जस्ट डूइंग अ स्पेशल अपीयरेंस देयर, छोटा सा रोल है, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। इसलिए अगर वरुण धवन एंड आलिया, ये दोनों फिल्में हैं, एंड उसके साथ साथ आई एम कंपोजिंग माई सेकेंड सॉन्ग राइट नाउ, तो जल्दी मैं अपना सेकंड गाना लेके आऊँगा। फर्स्ट गाना अभी 3 महीने पहले एक बार यहाँ कह दे, जो आयुष्मान का गाना था, सो आयुष भाई ने वो गाना गाया था और हम दोनों ने वो इकट्ठे कंपोज किया था और लिखा था। वी हैव शेयर्ड अ कॉमन रूम फॉर 23 ईयर्स। 23 साल तक हम एक ही कमरे में रहे हैं, उसके बाद 21 में एक्चुअली, उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे और मैं दिल्ली चला गया था। तो हमारी बातें, हमारी हरकतें, हमारी आवाज़ सिमिलर होना लाजमी है, एंड अगर कोई मुझे आए कहता है यू लुक लाइक आयुष्मान, आई फील वेरी प्राउड,